को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, एक नहीं दो अपडेट सामने आई है। तो चलिए दोनों अपडेट के बारे में बात करते हैं। हमेशा की तरह काम की जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा जब हम किसी का पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, यानी कि वृद्धा हो गया, विधवा हो गया या फिर विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी इनकम हमें दिखानी होती है कि इनकम लिमिट होती है उतनी इनकम के अंदर अंदर अगर वो है पेंशनर तो उसकी पेंशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि वृद्धा पेंशन के लिए शायद 48,000 रुपए है, वो अपडेट करने होते हैं जन आधार कार्ड में। अगर जन आधार कार्ड में किसी की भी इनकम अपडेट नहीं होती है तो हम पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो हमें वहां पर चाहे जीरो इनकम अपडेट क्यों ना करें, हमें अपडेट करनी होती है, उसके बाद ही पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। तो जन आधार कार्ड में हम इनकम अपडेट करते हैं, उसके बाद पेंशन के लिए आवेदन होता है। लेकिन अब तक क्या था कि जीरो इनकम अपडेट है तो आवेदन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अब आपको वहां पर कुछ ना कुछ इनकम दिखानी होगी, थोड़ी बहुत। जब आप इनकम दिखाएंगे तभी पेंशन के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। जिन सदस्यों की इनकम वहां पर यानी कि जन आधार कार्ड में जीरो दिखाई हुई है, उन सदस्यों का पेंशन के लिए आवेदन नहीं होगा जब तक वहां पर आप 4,000, 5,000, 10,000 जो भी इनकम मिनिमम आपकी है वो नहीं दिखाएंगे, तब तक पेंशन के लिए आवेदन नहीं होगा। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि यह कोई सर्वर एरर हो, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं तो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। अब जब तक आप पेंशनर की जो आय है वो जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और जीरो आय नहीं चलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर दूसरी अपडेट ये है कि बहुत सारे जिलों में, बहुत सारी तहसीलों में बहुत सारे पेंशनरों की इस बार दो दो तीन तीन महीनों की पेंशन पेंडिंग है। तो पेंशनर परेशान हो रहे हैं, नियमित धारकों के पास चक्कर काट रहे हैं कि हमारी पेंशन कहीं रुक तो नहीं गई है, क्या दिक्कत है, क्या आपने सत्यापन सही से नहीं किया था, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि पेंशन पीछे से जारी कर दी गई है, अब इसी महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में आपकी पेंशन आ जाएगी। तो सभी की पेंशन जारी हो चुकी है, मैंने चेक किया है, अलग अलग जिलों का भी चेक किया है, पेंशन जारी हो चुकी है। तो पेंशन बहुत जल्द आपके अकाउंट में आने वाली है। किसी की अगर 2 महीने की बाकी है तो 2 महीने की एक साथ आ जाएगी, अगर किसी के 3 महीने की बाकी है तो 3 महीने की एक साथ आ जाएगी। लेकिन अगर किसी और रीजन की वजह से आपकी पेंशन बंद हो गई है तो आपको आपके तहसील में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, वहां पर आपको पता करना चाहिए कि किस वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है और जो भी कारण है उसमें सुधार करके आप दोबारा से अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हो। ई मित्र पर इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। अगर आपकी पेंशन शुरू है और उसके बाद अगर किसी भी कारणवश बंद हो गई है तो ई मित्र धारक उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ई मित्र धारक हर बार वार्षिक सत्यापन करता है, वही उसके हाथ में रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में छोटी लेकिन यही दो नई अपडेट थी। तो अब आप इनकम नहीं अपडेट करेंगे तो पेंशनर के लिए पेंशन का आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अपडेट के बारे में जानकर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप आगे की वीडियो भी देख पाएं। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर पेंशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बात की जाएगी, उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।